अयोध्या गीता जयंती 6 दिसंबर 1992। ये तस्वीरें राष्ट्र के सबसे बड़े मुक्ति संग्राम की कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिनके आदर्शों पर चलकर भारत हजारों वर्षों से दुनिया को मार्ग दिखाता रहा, उनकी जन्मभूमि अभी भी मुक्त नहीं है। और आज श्री राम की जन्मभूमि से जुड़े राष्ट्र गौरव को हासिल करने की वही लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में अपने आराध्य की जन्मभूमि को मुक्त कराने की अदम्य इच्छा है। उसका ध्येय है कि जिस नाम का संबल लेकर हम इस लोक से परलोक तक का सफर करते हैं, उनकी जन्मभूमि को मुक्त कराना है। इसीलिए यहां मौजूद हर व्यक्ति एक धर्म योद्धा है। इनके धर्मोचित वीरतापूर्ण कार्य का निर्देशन कोई और नहीं बल्कि साधु संत कर रहे हैं। इनके हृदय में बसा श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प आज का नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही भावना का विस्फोट है। हमारे देश में धर्म दर्शन ही राष्ट्र धर्म बनता रहा है और राष्ट्र की विचारधारा धर्म से जुड़कर चलती रही है। धर्म के बिना राष्ट्र का व्यवहार अच्छी रीति से नहीं हो सकता है। समग्र विश्व का कल्याण के लिए धर्म की आवश्यकता है। विश्व का अंतर्गत राष्ट्र भी, तो राष्ट्र का कल्याण के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। धर्म के बिना नीति संपन्न राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श ही इन नीतियों के आधार हैं, जिनका मूल अहिंसा, सहिष्णुता और दया है। लेकिन राम के आदर्श और बुद्ध और महावीर के शांति उपदेशों को चुनौती देने वाली एक आंधी देश के उत्तर पश्चिम द्वार पर दस्तक दे रही थी। आठवीं शताब्दी में उठा हिंसा का ये तूफान भयंकर था। इससे पहले हूण, शक और कुषाण आए, लेकिन इस बार आक्रांता अत्यंत क्रूर थे। इनके हाथों में तलवारें थी, इनकी आंखों में खून था। यहां रहने वालों ने इनका प्रतिकार किया, उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति का संदेश देने वाले लोग खून की होली खेलना नहीं जानते थे। युद्ध भूमि उनके शवों का खलिहान बन गई। जिन नदियों में जीवन का संचार होता था, वहां खून बहने लगा। बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। आ! 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 आ!
लेकिन इन हमलावरों के असली मंसूबे अभी सामने आना बाकी थे। इनके मन में सिर्फ सत्ता के विस्तार की बात नहीं थी, वो हमारी संस्कृति को तहस नहस करना चाहते थे। इसीलिए इनका पहला निशाना बने राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे मंदिर। इन आक्रमणकारियों ने यही संदेश देना चाहा कि धर्म मार्ग पर चलने वाला देश अगर अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सका तो वो अपने राष्ट्र की रक्षा कैसे कर पाएगा। हिंसा और विनाश की इसी मानसिक परंपरा का शिकार बनी हमारी अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को ध्वस्त कर तीन गुंबदों वाले ढांचे का निर्माण किया गया, लेकिन ये कभी भी इबादत का स्थान नहीं बन सका। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। इसे तो एक विजय स्मारक के रूप में खड़ा किया गया। रामकृष्ण और शंकर का जो सम्मान है, ये तीन जो है प्रमुख देवता है। उन्होंने इन तीनों के जो विख्यात स्थान रहे हैं, प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, जहाँ पर वो कहीं पैदा हुए हैं, वो उनको ध्वस्त किया केवल अपमानित करने के लिए। जाहिर है इसका मकसद ये एहसास दिलाना था कि हमने तुम्हें अपने अधीन कर लिया है। राम जन्मभूमि पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चरित्र और गौरव इसी नाम के साथ जुड़ा रहा है। माने जो राम ने आदर्श दिए, वो भाई के साथ कैसे संबंध हो, पिता के पुत्र के साथ कैसे संबंध हो, माताओं के पुत्र के साथ कैसे संबंध हो, जो आतंकवादी शक्तियां हैं उन सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार हमारा हो, ये सब बातें भगवान राम के जीवन से ये जो हम लोग ग्रहण करते हैं, एक बड़ी महान संस्कृति को जन्म मिला है। इसीलिए इस देश के साथ श्री राम का नाम उसी प्रकार जुड़ा है जैसे शरीर के साथ आत्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिन उच्च आदर्शों का प्रतिपादन किया, वो आज के राजनेताओं को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि उन मूल्यों को आज की राजनीति में अपना लिया जाए तो स्वतः ही जाति वर्ग विहीन एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान राम वनवास में गए तो उसका वास्तव में जहाँ माता पिता की आज्ञा का पालन करना जो है उन्होंने धर्म समझा, उसके साथ साथ वनवासी जो समाज से कटे हुए थे, अलग हुए थे कुछ अछूत के रूप में, उन सबको जोड़ना भी उनके वनवास का लक्ष्य रहा है। इन आदर्शों की जन्मस्थली अयोध्या ही है, जहां आज भी श्री राम हर कण में विद्यमान है। यहां सरयू नदी की धाराओं के स्पर्श मात्र से हर एक हिंदू मन मोक्ष का अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ की गली गली में स्थापित देवताओं की मूर्तियां भगवान राम के किसी न किसी उपदेश, किसी न किसी जीवन मूल्य की अनुभूति करवाती हैं। इसी अयोध्या में श्री राम अपनी जन्मभूमि से दूर कर दिए गए, उनकी जन्मभूमि पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया गया। ये हिमाकत की थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, जिसने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कर वहां बाबर के नाम पर खड़ी कर दी एक इमारत। लेकिन एक ढांचा खड़ा कर देने से क्या वो भगवान की जन्मभूमि नहीं रही? क्या इस झूठ को स्थापित किया जा सकता था कि राम का उस भूमि से कोई संबंध नहीं है? और यही भाव लिए राम के राष्ट्रभक्तों ने उनकी जन्मभूमि की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना शुरू किया, क्योंकि राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। हिंदू समाज चाहता है
राम ने हरे हिंदू समाज को जो है वो एक आदर्श उनके सामने प्रस्तुत किया है। आज उनको हम सम्मान नहीं दे सकेंगे तो वास्तव में हमको स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लाख कष्ट सहकर भी उनका पुनरुद्धार किया। और इन्हीं भावनाओं के साथ सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसके लिए देश के मंत्रिमंडल को फैसला लेना पड़ा था, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रश्न इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान राम धर्म और ईश्वर के युग्म स्वरूप माने जाते हैं और हम एक संकेत करना चाहते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया उस मार्ग पर चल करके हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। और जो उनकी दो कृति भारतवर्ष में शेष है, जहाँ अवतारी महापुरुष के रूप में वो प्रकट होते हैं, वहाँ सेतु बंध जो इसको कहते हैं वो उनकी देन है, और रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो उनकी देन है। वो दोनों कृतियाँ आज पूरे विश्व को रामभद्र की प्राप्त हैं। भगवान राम अनुकरणीय हैं, सत्पुरुष हैं, और प्रत्येक हृदय में उनकी यशो गाथा विद्यमान है। हमारे वंद्य हैं, आराध्य। माँ और मातृभूमि बदली नहीं जा सकती, इसी संकल्प के साथ अगस्त 1990 में भगवान राम की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वृंदावन में साधु संतों के सम्मेलन में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव रखी गई। श्री राम ज्योति प्रज्वलित कर पूरे देश में घुमाने और अयोध्या में कार सेवा करने का संकल्प लिया गया। अभियान बना आंदोलन। साधु संतों का अभियान बहुत जल्द स्वतः ही जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया, लेकिन छद्म धर्म निरपेक्षतावादी ताकतें जैसे उनके सत्कर्म के मार्ग में व्यवधान डालने का संकल्प लिए बैठी थीं। उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने कार सेवकों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नवंबर 1990 को कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। ठीक उसी प्रकार जैसे जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने देशभक्तों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस घटना ने देशभक्त राम सेवकों के मन में छिपे बारूद को चिंगारी दिखा दी। भक्ति की ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित हो गई और 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती के दिन देश के कोने कोने से आए राम भक्तों से अयोध्या की भूमि पट गई। यद्यपि उनका उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को बताना कि अब राष्ट्र गौरव को पहचान देने का वक्त आ गया है, इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। वो इस इमारत को एक मस्जिद के तौर पर नहीं देख रहे थे, इसमें उन्हें अपनी पराधीनता की परछाई दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे मीर बाकी उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। यदि हमने अयोध्या में, वाराणसी में या मथुरा में अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए किया है, तो निश्चित रूप से वो अयोध्या स्वाभिमान सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित करने की भावना उसके। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है
कि इन राम भक्तों के मार्ग में हजारों मस्जिदें आईं, लेकिन उनका एक तिनका भी इन्होंने नहीं छुआ। अयोध्या में भी दर्जनों मस्जिदें हैं, लेकिन उनकी तरफ राम भक्तों ने तिरस्कार भरी एक नजर भी नहीं डाली। उनका मकसद किसी मजहब और उसकी इबादत गाह पर आक्रमण करना नहीं था। उनके मन में मुसलमानों या इस्लाम के लिए नफरत नहीं थी। यही वजह थी कि 6 दिसंबर ही के दिन, जिस वक्त राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, उसके कुछ ही घंटों बाद मुस्लिम महिलाएं बाजार में रोजमर्रा की खरीदारी कर रही थीं। राम भक्तों की इन्हीं भावनाओं के ज्वार में राष्ट्र गौरव पर हमले का प्रतीक मिट्टी में मिल गया। धूल की इन्हीं परतों के नीचे से निकले कुछ अकाट्य साक्ष्यों ने स्पष्ट कर दिया कि बाबरी ढांचे के नीचे कितना भव्य राम मंदिर मौजूद था। इस मंदिर और श्री राम जन्मभूमि का उल्लेख मुस्लिम इतिहासकारों ने भी किया है। अबुल फजल औरंगजेब की पौत्री, वाजिद अली शाह के समकालीन मिर्जा जान, उपन्यासकार मिर्जा रजब अली बेग आदि ने साफ शब्दों में लिखा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। लेकिन ये बात सबके गले इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं थी। इस प्रश्न के समाधान के लिए तो अदालत में लंबी लड़ाई चल रही थी। श्री राम जन्मभूमि पर पूजा और दर्शन के अधिकार का दावा करते हुए पहला मुकदमा 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने किया। इसी साल रामानंद संप्रदाय के साधु परमहंस रामचंद्र दास ने भी इसी आधार पर मुकदमा दायर किया। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया और मांग की कि ढांचे के अंदर पूजा अर्चना और चढ़ावे का प्रबंध उसे सौंप दिया जाए, जबकि चौथा मुकदमा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में किया। ये सभी मुकदमे आपस में हिंदू और मुसलमान पक्षकारों और राज्य सरकार आदि के बीच में चलता रहा। उसके बाद एक आवश्यकता महसूस की गई कि चूंकि भगवान राम वहां स्थापित है, रामलला विराजमान है और वो स्थान को राम जन्मभूमि के रूप में देवत्व शक्ति प्राप्त है, जब तक उनकी ओर से कोई वाद न प्रस्तुत किया जाए तब तक इसमें वास्तविक निर्णय संभव नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान देते हुए 1989 में भगवान रामलला विराजमान, स्थान राम जन्मभूमि और स्थान राम जन्मभूमि की ओर से उनके वाद मित्र देवकी नंदन अग्रवाल जी, जो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी ओर से वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है और जिस पर विक्रमादित्य के समय से ही एक विशाल मंदिर था और 1528 में उस जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर बाबर ने ये विवादित ढांचा बनाया था और ये कहा गया कि इसको अनादिकाल से हिंदू लोग भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पूजा करते रहे हैं और ये भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में स्थापित है। इसके बाद शुरू हुआ अदालत में साक्ष्यों की पड़ताल का सिलसिला। जैसे जैसे साक्ष्य सामने आते गए, सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे एक के बाद एक खारिज होना शुरू हो गए। देखिये, मुस्लिम पक्ष की ओर से कुछ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए, उसमें दो डॉक्यूमेंट तो ऐसे विचित्र हैं। एक डॉक्यूमेंट उन्होंने सेटलमेंट मैप दाखिल किया है, जो फैजाबाद के गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि ये डॉक्यूमेंट कभी हमारे यहाँ तैयार ही नहीं हुआ, उस मैप के बारे में कहा गया है। और दूसरा, उन्होंने सेटलमेंट एंट्रीज दाखिल किया है जिसमें मस्जिद जन्मस्थान का उल्लेख है। प्रोफेसर बी आर ग्रोवर साहब की रिपोर्ट है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन जरूर किए गए थे। उसमें वर्ड बढ़ाया गया था, जैसे आबादी जन्म स्थान या जुम्मा मस्जिद, ये पहले नहीं था। और जैसा कि इन्होंने गुरुवर साहब ने अपनी रिपोर्ट भी दिया है, इसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कुछ मैनिपुलेशन करके कि यहाँ पर जन्मभूमि के साथ साथ मंदिर मस्जिद भी थी। इस संबंध में जो इंक्वायरी हुई और लीगल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ली गई, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ली गई और उसके आधार पर गवर्नमेंट ने 1992 में एक ओपिनियन गवर्नमेंट को भेज दिया कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट हैं
और इसके आधार पर कोई चीज निर्णय नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद जन्मस्थान कोई शब्द नहीं है, जामा मस्जिद हो सकती है, जन्मस्थान मंदिर हो सकता है, लेकिन मस्जिद जन्मस्थान नाम की कोई एंट्री संभव ही नहीं है, और उसको कोर्ट ने इग्नोर करते हुए उसके आधार पर उनकी कोई टाइटल नहीं मानी। दस्तावेजों के आधार पर जब सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ी तो उसने अदालत के सामने एक नई दलील दी, लेकिन यहां भी अदालत से उसे फटकार ही मिली। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाद में एक तीसरा स्टैंड भी लिया, और तीसरा स्टैंड लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपनी मिल्कियत न भी साबित कर पाएं तो विवादित भूमि पर लगभग 450 साल से मेरा कब्जा है, इस आधार पर हम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इसके मालिक हो चुके हैं। लेकिन जहां तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, प्रतिकूल कब्जे के लिए आवश्यक है कि आपका कब्जा किसके प्रतिकूल है, यह आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन इसका मालिक था और उस मालिक के खिलाफ आपने कब से कब्जा कर रखा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा विदेशी सैलानियों के वृत्तांत और अंग्रेजों के शासनकाल में मिलने वाले दस्तावेजों से भी गलत साबित होता है, जिनमें इस स्थान का उल्लेख राम जन्मभूमि के रूप में ही किया गया है। एक बार मैं इंग्लैंड गया था तो वहां पर ग्रेट ब्रिटेन का जो 1515वां प्रकाशन था, 1760 वर्ष की थी वो, उसके पृष्ठ 751 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि वहां पर सर्वाइविंग मॉन्यूमेंट्स में राम जन्मभूमि पर ही मंदिर मस्जिद का निर्माण किया गया है। उसके बाद सबसिक्वेंट 1740 में एक फादर जोसेफ ट्रेफिन थीलर, जो यहाँ इंडिया में लगभग 40 साल उन्होंने बिताया, उनके अकाउंट्स हैं जिन्होंने 1740 के बाद जिस समय भी अयोध्या में रहे उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जो विवादित स्थल है उसको हिंदू समाज भगवान श्री राम की जन्मभूमि मान रहा है, और उन्होंने उस वेदी का भी उल्लेख किया है जिस पर चरण चिन्ह और सीता रसोई बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि वो भगवान की राम जन्मभूमि के रूप में पूजित है और इसमें सभी लोग आते हैं और इसकी उसी रूप में पूजा कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए कि वहाँ पर मस्जिद का रूप था ही नहीं, 3 गुंबद थे, उसमें कोई मीनारें नहीं थी, और जैसा कि मस्जिद में होता है वुजू करने की कुआ या पानी की व्यवस्था रहती है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अदालत में सिर्फ दस्तावेजों की पड़ताल ही नहीं हुई बल्कि उन पुरातात्विक साक्ष्यों को भी रखा गया जो राम जन्मभूमि स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए। ये उत्खनन भी माननीय अदालत के आदेश पर ही हुआ था। अदालत 3 सवालों के जवाब तलाश कर रही थी। पहला, क्या उस स्थल पर पहले कोई मंदिर था? दूसरा सवाल, क्या उसे मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया था? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वही श्री राम की जन्मभूमि थी? इन सभी प्रश्नों का समाधान उत्खनन से हो गया। इस प्रकरण में यह सुनिश्चित किया गया था कि उत्खनन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। प्रारंभ से ही एक मुसलमान और 2 हिंदू जजों, 3 जजेस की पूर्णपीठ, विशेष पूर्णपीठ बनी हुई है। तो उसमें यह भी रखा गया कि जो पुरातत्ववेत्ता है उसमें भी यह अनुपात रहेगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों का अनुपात बना रहे। यहां तक कि मुस्लिम पक्ष की ओर से, जो कि अप्रत्याशित थी, एक स्टेज पे एक दरखास्त आई कि साहब मुसलमान मजदूर कम मिल रहे हैं, तो न्यायालय ने फिर आदेश किया कि भाई मुसलमान मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए और मुसलमान और हिंदुओं दोनों का इस हिसाब से अनुपात रखा जाए कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखे। उत्खनन से लेकर अनुसंधान तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर ए.के. शर्मा इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट के आदेशानुसार जब वहां पर पहले तो उस स्थल का तोजो विकास इंटरनेशनल के द्वारा एक राडार सर्वेक्षण कराया गया, राडार सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह साफ प्रतीत हुआ कि जमीन के नीचे बड़ी बड़ी दीवारें और पिलर बेसेज या स्तंभ के प्रमाण हैं।
तो कोर्ट ने फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया कि उसी स्थल पे जहां पर राडार सर्वे किया गया है उसका उत्खनन किया जाए, उत्खनन करके जो भी प्रमाण सामने आते हैं वो पेश किए जाए। तो उत्खनन करने के बाद जो काफ़ी दिनों तक चला, मंदिर होने के वहाँ एक नहीं तीन स्तर पर तीन मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिले। पहला मंदिर जो उत्खनन में प्राप्त हुआ वो एक सर्कुलर शिवा श्राइन या गोलाकार शिव मंदिर था जो हमको सबसे नीची सतह में मिला, और जो कार्बन 14 डेट होती है जो जिसका परीक्षण बीरबर सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ से कराया गया उसमें 9वीं शताब्दी का वो मंदिर था। शिव श्राइन के बाद दूसरा जो मंदिर बना, दूसरे मंदिर की दीवार बहुत चौड़ी थी, उसका आप वो प्लास्ट चूने इसे प्लास्टर किया हुआ था और उसके अपना अलग फ्लोर लेवल था, और वो चूने के प्लास्टर बाद के जो दीवारें बनी उसके अंदर से जाता है। इसका प्रमाण है कि बाद का मंदिर बाद में बना, और उस मंदिर के ऊपर वो जब ढह गया तो तीसरा मंदिर बनाया गया। वो तीसरे मंदिर के जो कि 1228 के करीब बना, उस तीसरे मंदिर का की दीवार भी पहले मंदिर के ऊपर ही बनाई गई, क्योंकि कोई नया न्यू नहीं खोदी गई, नया फाउंडेशन नहीं खोदा, क्योंकि पहले मंदिर की न्यू इतनी पक्की थी कि जरूरत नहीं थी। और उस पहले मंदिर के जो मलबे थे गिरे थे उसमें से कुछ जो मंदिर के स्ट्रक्चर के टुकड़े थे वो दूसरे मंदिर की दीवार में फंसे हुए हमको दिखाई देते हैं, तो ये पुरातत्विक प्रमाण है। और फिर जब तीसरा मंदिर बना वो भी उसी की दीवार के ऊपर बनाया गया, और उसके प्रमाण हमको आखिरी मिलते उसका अपना फ्लोर लेवल है, तो 1, 2, 3 फ्लोर लेवल हो गए। और फिर उसमें हम सबसे पहले हमको पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है कि गरुड़ ध्वज, क्योंकि ये विष्णु मंदिर था तो विष्णु मंदिर में गरुड़ ध्वज होना अनिवार्य है, तो गरुड़ ध्वज के लिए जो खाई खोदी जाती है गड्ढा, वो गड्ढा मिला है खुदाई में, और गरुड़ ध्वज भी पहले मिल चुका है जो कि अभी फैजाबाद संग्रहालय में जो कहते हो एक ही पत्थर का बना हुआ रखा हुआ है। उसके बाद फिर अर्धमंडप है, अर्धमंडप में जो चार पिलर हैं चार स्तंभ हैं उनकी दूरियां एक दूसरे से बराबर हैं अर्धमंडप। फिर उसके बाद फिर आता है गर्भगृह, गर्भगृह में तो अभी श्री रामलला बैठे हुए हैं, वही गर्भ है, उसकी खुदाई नहीं हुई, लेकिन तो उसके दोनों तरफ हमको 50 स्तंभों के प्रमाण मिले हैं, स्तंभों के टूटे टूटे टुकड़े या उसके स्तंभों का पिलर बेस जो है आधार जो है वो ज्यों का त्यों मिला है, कुछ में पत्थर ज्यों के तो लगे हैं, और पिलर बेस को वहाँ बहुत मजबूत बनाने के लिए चारों तरफ आर्थो स्टेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चारों तरफ खड़े पत्थर लगाए गए हैं, और 50 पिलर बेस मिले हैं और उनकी दूरी समानांतर है, एक से बिल्कुल बराबर हैं, वो प्रमाण देता है कि यहाँ पर मंडप था। तो ये रचना जो होती है सिर्फ मंदिरों में ही होती है, वो भी उत्तर भारत के मंदिरों में, कि पहले ये है गरुड़ ध्वज है, अर्धमंडप है, अंतराल है, फिर गर्भगृह है, और दोनों तरफ फिर महामंडप है, मंडप। ये प्रमाण हमको स्पष्ट है, हमको वहाँ पुरातत्व खनन में मिले हैं। मस्जिद में कोई मूर्तिकला नहीं होती है, पेड़ पौधे के आकृतियाँ होती हैं, लेकिन जानवर या मनुष्य की कोई आकृति, लेकिन यहाँ पर हमको खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं उसमें बहुत से प्रचुर मात्रा में पकाई हुई मिट्टियों के खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं जो मस्जिद में नहीं होती हैं। मस्जिद में के खम्भों में कोई घट पल्लव नहीं होता है, मकर प्रणाम नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि वहाँ पर मंदिर था जिसको गिराने के बाद या जिसका मलबा मस्जिद में की दीवारों में इस्तेमाल किया गया। ये सब चीज़ें हमको मस्जिद की दीवार से मिली हैं, जो दीवारें मस्जिद ढहाए जाने के बाद भी खड़ी हुई थी बाकी बची थी, उन दीवारों को तोड़ने से फिर ये हमको मिला है। बाबरी मस्जिद बनी वो उसकी अपनी कोई फाउंडेशन या नींव नहीं है, वो जो मंदिर था मंदिर की दीवार के ऊपर ही उसकी दीवार खड़ी कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के में बनाने में कोई नई चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ है, कोई साबुत ईंट नहीं मिली है उसके मलबे से,
जो कुछ है वो मंदिर के ढहाने से जो मलबा बचा उसी से मस्जिद खड़ा किया, पत्थर ही जो है, और ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई है, जो मंदिर की ईंटों की लंबाई चौड़ाई है, वही लंबाई चौड़ाई मस्जिद की ईंटों की है। उसके जो फ्लोर लेवल है तो जो पिलर बेसिस थे उनको, स्तंभों को जानबूझ करके बड़े औजारों से तोड़ा गया, तो इस वो पिलर बेसिस के जो ठूंठ बचे हैं उसमें उनके तोड़ने के निशान मिले हैं, और उनको दबाने के लिए मस्जिद का जो फ्लोर बनाया गया उसके नीचे उसको रख दिए गए। तो पिलर बेसिस के जो पिलर बेसिस थे उसके मंदिर का जो फ्लोर था और फिर पिलर के टुकड़े हैं उसके ऊपर मलबा भरा गया, और मलबा के ऊपर फिर दूसरा फ्लोर बनाया गया मस्जिद का, जिसके नीचे पिलर को दबा दिया गया। ये सब खुदाई में स्पष्टता मिले हुए हैं। ये पूरा स्थल धार्मिक ही स्थल था शुरू से लेकर आखिरी तक, इसके स्पष्ट प्रमाण हैं, क्योंकि हमको शुरू से लेके ऊपर तक आखिरी तक, यहाँ तक कि मस्जिद तक भी हमको सिर्फ धार्मिक ही भवन मिलते हैं या उसके अवशेष मिलते हैं। लोगों ने हमेशा कहा यही राम मंदिर, और उसमें खुदाई में राम मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ ही राम की जन्मभूमि थी। और दूसरी बात यह है कि ये जन्म का जो स्थान होता है वो धार्मिक आस्था का मानना है, और धार्मिक आस्था को कोई किसी को चुनौती नहीं दे सकता, ये हमारे उच्चतम न्यायालय का भी मानना है। लेकिन सच को जानते हुए भी राम मंदिर के खिलाफ अदालत में दलील देने वाले इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन झूठ की दीवार चाहे जितनी ऊंची हो, सच का एक धक्का ही उसको गिरा देता है। ये तस्वीर उसी शिलालेख की है जो ध्वस्त किए गए बाबरी ढांचे की दीवार से मिला था। प्रख्यात पुरातत्वविद श्री केवी रमेश ने इस शिलालेख का अनुवाद किया है। Whenever an epigraphist comes across a new inscription, he first examines the nature of the script as well as the language used therein. Paleographically and orthographically, the Ayodhya inscription is certainly a genuine one belonging to the 11th century AD, and its diction cannot be imitated at a later time by anybody. Each century has its own diction as far as language is concerned. It has its own script as far as the script is concerned. And from these two points of view, the Ayodhya inscription is perfectly genuine. Tad bhratrujo jagati megha sutasrutadya Shriman abhud anayachandrapada vilashya Govinda chandra dharanindra guru prasadat There is enough internal evidence in the inscription to show that it is from Ayodhya. We have the mention of Saketa Mandala, we have the mention of Ayodhya also, and the construction of the Vishnuhari temple is the most important point in the inscription during the time of Govinda Chandra, the Gahadawala king. Dr. T.P. Verma of Benares had sent me sometime back a Xerox copy of Ayodhya Mahatmya, which says very clearly that there were 9 Vishnuhari temples in Ayodhya. As a matter of fact, now only 8 Vishnuhari temples can be seen in Ayodhya. The 9th Vishnuhari temple is mentioned in the Ayodhya inscription, which has been recovered from the Babri Masjid site. Tankotkhata Vishala Shaila Shikharas Shreni Shida Samhati व्यूहैर विष्णुहरेर हिरण्यकलशः श्री सुंदरम मंदिरम पूर्वैरप्यकृतम कृतम नृपतिभिर् येनेदमत्यद्भुतम् संसारार्णव शीघ्र लंघन लघु पादांध्याध्यायत। The inscription refers to the construction of the Ayodhya temple in stone during the time of Govinda Chandra. It does not say that it was the first construction. From the diction of the particular verses, we can find out that it was an improvement from a brick temple structure to a stone temple structure. In the 11th century AD, there was a peculiar feature in the whole of India when brick temples were converted into stone temples, and therefore the temple, Vishnuhari temple, had been in existence even before the 11th century AD,
when this inscription was found out. Yekhi Mandir means it is not only one temple. It was a brick temple that has been converted into a stone temple by this person. So whatever other remains may be found there could have been the remains of the old temple in brick. Avipachita Hiranyakashipum Sayamya Banam Rane Kuruvano Baliraja Bahudadanam Krutva Bahun Vikraman Kuruvan Dushta Dashananasya Hananam Kashanya Sadashadhiko Punyavatam. The clinching point that Vishnuhari is Rama is proved by the fact that there is a reference in the last line of the inscription which says Kurvan Dushta Dashananasya Hananam. Kurvan Dushta Dashananasya Hananam. Having killed the evil 10-headed Ravana. So that is nothing, nobody else other than Rama himself. अदालत के आदेश से हुए इस उत्खनन कार्य ने संदेह के सभी सवाल गिरा दिए, ठीक उसी प्रकार जैसे बाबरी ढांचा धराशायी हुआ था। इस विवाद को अदालत तक ले जाने वाले हाशिम अंसारी को भी यकीन हो गया था कि गिराए गए ढांचे के नीचे मंदिर ही था। तभी उन्होंने कहा था कि अदालत का जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे, लेकिन वो भी अब अपनी बात से मुकरने लगे। देखिए, आजादी से पहले मस्जिद थी और अब फिर मस्जिद को होना चाहिए, इसके बाद हम कोई फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। मस्जिद बनने से पहले उसके नीचे कोई मंदिर था, ये सरासर गलत। यानी उनका लहजा भी जिलानी की तरह ही है, जो कभी एक वकील की तरह जिरह करते हैं तो कभी राजनीतिज्ञ की तरह पेश आते हैं। अदालत का फैसला कोई होता है तो उसको हम देखेंगे। अदालत का फैसला आ गया, लेकिन हाशिम अंसारी हो या फिर जिलानी, सभी अपनी बात से मुकरने को बेताब दिखाई पड़ते हैं। वाणी में हमारे गुरु साहब ने लिखा है कि वचन करके खिसक जाए सोई नर कच्चा। जो वचन किया दे कि हम कोर्ट को मानेंगे, पहले बात चल रही थी कि बातचीत से हम मसला हल कर लेंगे, अब कोर्ट का फैसला जब उस जगह के लिए जहां राम स्वयं विराजमान है, उस जगह राम जन्मभूमि की जगह को कोर्ट ने कह दिया कि यह राम की लला की जमीन है, अब यह सारा मसला खत्म हो गया। मुसलमानों को ये चाहिए कि अब बिला वजह कोर्ट को, देश को और कमजोर करने की कोशिश ना करें। सवाल ये है कि जिलानी जैसे लोग इस सच को स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं हैं? दरअसल गौर करें तो इसके पीछे उनका एक डर नजर आता है। आपके 33 करोड़ देवता हैं, हम क्या जाने कब किसके आप पैदाइश कहाँ पे निकाल देंगे, तो हमारी तो कोई मस्जिद नहीं बचेगी। तो जहाँ मान्यता एक हो वहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि साहब मुसलमान गौर करें इस पे। लेकिन इस देश को किसी से नफरत नहीं है, इसलिए सवाल 33 करोड़ देवताओं के लिए 33 करोड़ मस्जिदों को मंदिर में बदलने का नहीं है। ये डर तो बेबुनियाद है, प्रश्न सिर्फ राम जन्मभूमि का है। सच तो ये है कि कितनी ही ऐसी मस्जिदें हैं जिनके नीचे मंदिर के अवशेष पड़े हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास में एक मस्जिद है जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम, माइट ऑफ इस्लाम है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। इस मंदिर का एक चित्र जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि हिंदू मंदिरों के खंभे लगे हैं जिनमें मूर्तियां और सब हैं, बड़े स्पष्ट हैं ये। और न सिर्फ ये है बल्कि लोगों को, उन लोगों को गौरव मानते थे वो कि ये देखिए मैंने गिराया मंदिर और बनाया। और इस सिलसिले में कुव्वतुल इस्लाम के बाहरी दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख है अरबिक में कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई है। इसमें 20 लाख दहली वाला एक उस समय का सिक्का होता था, हर मंदिर पर खर्च हुआ था, वो इसमें सारे लगाए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने समाचार पत्र नवजीवन में लिखा था कि किसी भी धार्मिक उपासना गृह पर बलपूर्वक अधिकार करना बड़ा जघन्य अपराध है।
एक हिंदू ये सहन नहीं करेगा कि उसके मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बना दे। जहां कहीं भी ऐसे काम हुए हैं वो चिन्ह धार्मिक गुलामी के हैं। हर देश हर समाज इन निशानियों को मिटा देना चाहता है। राष्ट्रवाद की पहली शर्त भी यही है। जब भारत गुलाम था तो दिल्ली की सड़कों पर किंग एडवर्ड V और विक्टोरिया की प्रतिमाएं लगी हुई थी। आज उनको हटा करके म्यूजियम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो दासता के प्रतीक के रूप में वो मूर्तियां लगाई गई थी। तो अब वक्त आ गया है कि श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर, जिनका जीवन किसी धर्म या देश के दायरे में बंद नहीं है, वो मंदिर जिससे मानवता का संदेश सारी दुनिया को जाए। उस मंदिर के निर्माण का महान कार्य शुरू भी हो चुका है। राम भक्तों द्वारा देश और दुनिया से भेजी गई ईंटें इस मंदिर की नींव बनने को बेताब हैं। लेकिन राम भक्त चाहते हैं के अदालत के फैसले का सम्मान हो और सामाजिक सद्भाव बना रहे। राष्ट्रहित को सभी भावनाओं से ऊपर रखने का संदेश देने वाले धर्मगुरु भी राम मंदिर के निर्माण को ही इस समस्या का समाधान मानते हैं। सुझाव दोनों पक्ष को है, क्योंकि राम मंदिर, मैंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और मैं सवाल करता हूँ कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या कराची में बनेगा? लेकिन श्री राम जन्मभूमि का विरोध करने वाले इसे स्वीकार नहीं करते। वो तो उसी स्थान पर मस्जिद बनते देखना चाहते हैं। आजादी के ठीक बाद जिन्ना की जिद पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राशिद अल्वी ने तो यहाँ तक कहा कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने में सबसे बड़ा हाथ हिंदू जनमानस का था, इसलिए अब बाबरी मस्जिद की मांग छोड़ देनी चाहिए। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्या अदालत का आदेश अंतिम उपाय है? क्या इस पर सियासत बंद हो जाएगी? क्या अंतिम फैसला आते ही सभी संतुष्ट हो जाएंगे? ये सब तो हम चूंकि आने वाली पीढ़ियों के सिर पे छोड़ के जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बुरा दिन हम देखें, इसलिए हम इसको टालते जाते हैं, यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हैं और कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं शाश्वत का, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को इसका सामना करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इसका निर्णय होना चाहिए और निर्णय होने के बाद इस पर अमल होना चाहिए। भारत सरकार ने 1993 में श्री राम जन्मभूमि पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि विवादित जगह ही श्री राम जन्मभूमि है तो ये जमीन हिंदुओं को दे दी जाएगी। अदालत के आदेश और हिंदुस्तान की परंपरा के आधार पर ये जमीन स्वतः ही हिंदू जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा सह अस्तित्व की रही है और ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। हमारी जिम्मेदारी इस परंपरा को आगे बढ़ाने की है।